Greetings to all of you. In our last lectures, we discussed about the structure of DNA and different type of RNA and their structure. Today we will be studying about the packaging of DNA helix. हमने पढ़ा था कि DNA क्या होता है? It is a double helical structure. एक linear structure है जो आपकी क्या करती है? Nucleus के अंदर present रहती है. अब cell जो है वो खुद ही एक microscopic body है और उसके अंदर बहुत ही छोटा nucleus है और उस nucleus के अंदर congested center present है जिसको हम nucleoid बोलते हैं. उस nucleoid के अंदर DNA present रहता है. तो DNA जो है उसकी लेंथ ज्यादा होगी जिस प्रकार से हमने उसकी स्ट्रक्चर पढ़ी थी कि हेलिक्स फॉर्म में प्रेजेंट होता है. सो इट इज नॉट पॉसिबल टू अकोमोडेट दैट मच लार्ज बॉडी एज इट इज इन टू दैट स्मॉल न्यूक्लियोइड. सो वो पैक कैसे होता है वो हम इस लेक्चर के अंदर देख लेते हैं. टेकन द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिकेटिव बेस पेयर. दो बेस पेयर के बीच में कितना स्पेस होता है? 0.34 नैनोमीटर या 3.4 एंगस्ट्रॉम मैंने आपको बताया था. वो दो बेस पेयर के बीच की जगह है तो उसके बीच में स्पेस होता है. मेमेलियन सेल को अगर हम कैलकुलेट करें कि मतलब जितने टोटल बेस पेयर हमारे अंदर 6.6 इंटू 10^9 बेस पेयर, इतने बेस पेयर हमारे अंदर रहते हैं. तो इतने बेस पेयर की अगर हम लेंथ निकालें तो वो क्या रहती है? दैट इज 2.2 मीटर. तो 2 मीटर जो है वो बहुत ज्यादा स्पेस होता है. आपको पता है ए लेंथ दैट इज फार ग्रेटर देन द डायमेंशन ऑफ टिपिकल न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस की लेंथ से 2 मीटर बहुत ज्यादा बड़ा है. तो इसको हम कैसे अकोमोडेट करते हैं? तो सबसे पहले इन प्रोकैरियोट्स सच एज स्कर्शिया कोलाई थो दे डू नॉट हैव ए डिफाइंड न्यूक्लियस. उनके अंदर कोई डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता. दैट्स व्हाई दोज आर प्रोकैरियोट्स. The DNA is not scattered throughout the cell. तो वहां भी सेल में पूरी में ये नहीं है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो पूरी सेल में वो बिखरा हुआ रहता होगा, ऐसा नहीं होता. DNA जो है वो क्या होता है? That is negatively charged. तो ये क्या होगा? ये कुछ positively charged protein के साथ present रहेगा और इसको जो स्पेसिफिक वहां पे एक एरिया बनेगा उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं. द डीएनए इन न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप हेल्प्ड बाय प्रोटीन. तो लंबी लंबी लूप बनती हैं और वो प्रोटीन उनको पकड़ के रखता है. सो इन यूकैरियोट्स दिस ऑर्गेनाइजेशन इज मच कॉम्प्लेक्स. ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है. स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन यहाँ प्रेजेंट रहते हैं. तो देर इज ए सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पॉजिटिव प्रोटीन बेसिक प्रोटीन सॉरी यहाँ पे क्या रहते हैं? पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होता है जिसको हम हिस्टोन्स बोलते हैं. ए प्रोटीन एक्वायर चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द अबंडेंस ऑफ अमाइनो एसिड. अमाइनो एसिड्स के ऊपर दोनों तरह के चार्जेस होते हैं. दे कैन बी पॉजिटिव्स एज वेल एज नेगेटिव. लेकिन एक स्पेसिफिक जो रिजल्टेंट प्रोटीन बनेगा उसके ऊपर क्या चार्ज होगा ये डिपेंड करेगा कि उसके अंदर नेगेटिव वाले अमाइनो एसिड ज्यादा हैं या पॉजिटिव वाले हैं. सपोज कीजिए पॉजिटिव वाले 12 हैं और नेगेटिव वाले 8 हैं तो इट विल फॉर्म पॉजिटिव चार्ज. ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आ जाता है. तो हिस्टोन प्रोटीन जो है इनके ऊपर क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज होता है. और इनके अंदर अमाइनो एसिड कौन से हैं? लाइसिन और आर्जिनेंस. ये अमाइनो एसिड ज्यादा हैं और इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है. बोथ द अमाइनो एसिड रेजिड्यू कैरी पॉजिटिव चार्ज. तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इनसे जो रिजल्टेंट प्रोटीन बनेगा वो भी आपका क्या होता है? दैट इज पॉजिटिवली चार्ज. हिस्टोन आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ए यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टामर. इनके अंदर 8 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं इसीलिए इसको हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं. द नेगेटिवली चार्ज डीएनए. अब जो डीएनए है वो क्या है? दैट इज नेगेटिवली चार्ज इज रैप्ड अराउंड. पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. तो पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन है जो हिस्टोन ऑक्टामर. यहां पे आप देख सकते हैं इसकी स्ट्रक्चर, ये राउंड जो शेप में है ये क्या है? हमारा हिस्टोन प्रोटीन. और जो ये लाइट कलर से दिखा हुई है डीएनए है. डीएनए क्या करेगा? रैप, इसके चारों तरफ से से लिपट जाएगा. तो ये क्या हो जाता है? रैप कर जाता है. ए टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स. एक न्यूक्लियोसोम के अंदर 200 बेस पेयर होते हैं. इन जनरल न्यूक्लियोसोम कॉन्स्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस. इसके अंदर क्या होती है? न्यूक्लियोसोम के अंदर रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं.
तो उनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटीन। व्हाट इज क्रोमेटीन? क्रोमेटीन इज अ थ्रेड लाइक स्टेन बॉडीज सीन इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर इस टाइप से आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगी, जहां पे आपको क्या लगेगा कि कहीं कहीं पे आपने धागे में गांठ लगा रखी है। तो इस टाइप के जो स्ट्रक्चर्स न्यूक्लियस के अंदर विजिबल होती हैं, इन्हीं को हम क्रोमेटीन बोलते हैं। ड्यूरिंग द सेल डिविजन दीज स्ट्रक्चर विल कॉम्पैक्ट विद ईच अदर एंड दे विल टेक द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। यही क्रोमेटीन आपके क्रोमोसोम बनाते हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। न्यूक्लियोसोम इन क्रोमेटीन आर सीन एज बीड ऑन स्ट्रिंग, की गांठ की तरह वो दिखाई देंगे। द बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इन क्रोमेटीन इज पैक्ड टू फॉर्म क्रोमेटीन फाइबर दैट आर फर्दर कोइल्ड एंड कंडेंस्ड एट मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन टू फॉर्म द क्रोमोसोम। ये क्या है, ये बीड्स जो हैं कॉम्पैक्ट करने में इसको हेल्प करेंगी, और उस दौरान ये कैसे बन जाएंगे, ये क्रोमोसोम जो विजिबल आपका क्रोमोसोम होता है इस फॉर्म में वो आपको दिखाई देता है, वो क्रोमेटीन से बनता है। तो यही बात ये बोल रहा है। द पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटीन एट हायर लेवल रिक्वायर एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन। क्या होगा जब इसकी मतलब हायर पैकेजिंग करनी है और बढ़िया लेवल पे करनी है, तो उसके लिए स्पेशल प्रोटीन्स की जरूरत होती है। दोज प्रोटीन आर रेफर्ड एज नॉन हिस्टोन क्रोमोजोमल प्रोटीन NHC। इन टिपिकल न्यूक्लियस सम रीजन ऑफ क्रोमेटीन आर लूजली पैक्ड एंड आर रेफर्ड एज यूक्रोमेटीन। जो आपके लूजली पैक हैं उनको यूक्रोमेटीन बोलेंगे, और ज़्यादा डेंसली पैक्ड हैं उनको आप हेट्रोक्रोमेटीन बोलोगे। क्रोमेटीन इज सेड टू बी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटीन। तो ये जो लाइटली पैक्ड हैं या लाइटली स्टेन्ड है, लूजली पैक्ड है यूक्रोमेटीन, यही रीजन कोडिंग क्रिएट करता है, इसी से आपका आरएनए बनेगा। मतलब इस पोर्शन की इंफॉर्मेशन को यूज करके क्रोमेटीन जो है आगे आरएनए बनाया जाता है। तो ये एक्टिव क्रोमेटीन कंसीडर किया जाता है, वेयर एज हेट्रोक्रोमेटीन इज इनएक्टिव। ये आपका इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, प्रेजेंट होता है, बट इसका कोडिंग के अंदर कोई रोल प्ले ये नहीं करता। द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। आज हम लोग इजीली बोल देते हैं कि DNA इज अ जेनेटिक मटीरियल एंड इन सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म RNA इज जेनेटिक मटीरियल, बट इन स्टार्टिंग साइंटिस्ट वर वेरी मच कन्फ्यूज वेदर प्रोटीन DNA और RNA what exactly is working as genetic material. So after lots of experiment they concluded that DNA is genetic material. तो वो देख लेते हैं वो किस प्रकार से उन्होंने किया। Even though the discovery of nucleon by Mischer and the proposition for principle of inheritance by Mendel were almost at the same time, दोनों ने सेम टाइम एक्सपेरिमेंट किए थे, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग गया था बाद में कि जेनेटिक मटेरियल कौन सा है एग्जैक्टली ये प्रूव करने में या उसको फाइंड आउट करने में। तो वो प्रोसेसेस क्या थी वो हम देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, सबसे पहले जैसे कॉन्जुगेशन होता है, ये आपके एक टाइप से स्ट्रेटजीज होती है रिप्रोडक्शन की। ये एक ऑर्गेनिज्म ये है, बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दूसरा ये है, ये अपने दोनों के बीच में ट्यूब बना के अपना जेनेटिक मटीरियल एक्सचेंज कर सकते हैं। इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, इस प्रोसेस को, कि उसमें ट्रांसफॉर्म हो गया, और इस रिप्रोडक्शन को हम कॉन्जुगेशन टाइप बोलते हैं। तो ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने 1928 में परफॉर्म किया था, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। ये बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, इसकी दो स्ट्रेन होती है, रफ स्ट्रेन एंड स्मूथ स्ट्रेन। तो दो तरह की स्ट्रेन है, इसके अंदर क्या हो रहा है, जो स्मूथ स्ट्रेन है, शाइनी स्ट्रेन, इसके ऊपर क्यों बोलते हैं स्मूथ, क्योंकि ये एक शाइनिंग अपीयरेंस प्रोवाइड करती है। तो अगर शाइनिंग अपीयरेंस वाला बैक्टीरिया है तो वो न्यूमोनिया कोज करता है और रफ वाला कोज नहीं करता। तो उन्होंने क्या किया, दो माइस लिए, चूहे, माइस इंजेक्टेड विद एस स्ट्रेन डाई। अब एस स्ट्रेन क्या है, व्यूरुलेंट है, इससे आपको डिजीज हो सकता है। तो क्या हुआ, एस स्ट्रेन से वो बैक्टीरिया मर गया, एस स्ट्रेन जब इंजेक्ट की तो वो डाई हो गया माइस। आर स्ट्रेन जब इंजेक्ट की तो माइस जिंदा रहा, क्योंकि वो विरुलेंट नहीं है, उससे डिजीज नहीं हो रहा। अब क्या किया, ग्रिफ्थ वाज एबल टू किल बैक्टीरिया बाय हीटिंग देम। अब किसी भी बैक्टीरिया, किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप गर्म करोगे, जलाओगे, तो क्या होगा, डीनेचर हो जाएगा उसका जेनेटिक मटीरियल और उसकी डेथ हो जाएगी। तो उसने क्या किया, एस स्ट्रेन को
एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को हीट किल्ड किया, तो जब उसने एस स्ट्रेन हीट किल्ड डाला तो माइस जिंदा रहा। तो आर स्ट्रेन डालो या हीट किल्ड एस डालो, उसकी डेथ नहीं होगी माइस की। अब उसके माइंड में क्या आया, उसने एस स्ट्रेन हीट किल्ड और आर स्ट्रेन लाइव, ये जिंदा है और ये मरा हुआ है, ये व्यूरलेंट है ये नॉन व्यूरलेंट है, ये डिजीज कोजिंग है ये नहीं है, तो दोनों को मिक्स करके माइस को लगाया तो माइस की डेथ होगी। लेकिन अगर हम जर्नल केस में देखें तो एस स्ट्रेन हीट किल्ड है, माइस जिंदा रहा था, आर स्ट्रेन से भी जिंदा रहा था, तो यहाँ भी क्या है, ऑर्गेनिज्म की डेथ नहीं होनी चाहिए थी माइस की, बट वो फिर भी उसकी डेथ होगी। तो यहाँ से उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि एस स्ट्रेन के अंदर कोई ऐसा मटेरियल है जो उसने किसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया, आर स्ट्रेन के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया, जिसकी वजह से आर स्ट्रेन जो है वो एस में कन्वर्ट हो गई। तो ये कंक्लूजन ग्रिफ्थ ने निकाला। तो ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ प्रूव हो गया कि कुछ मटेरियल है जो दूसरे आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म कर रहा है, बट वो क्लैरिफाई नहीं हो पाया। सो बायोकेमिकल करेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, इसका बायोकेमिकल मतलब मोलिक्यूलर लेवल पे क्या इसका रोल रहा, कैसे हुआ, वो सब बाद में प्रूव किया। वो क्या है, पारियर टू द वर्क ऑफ ऑसवर्ल्ड एवरी, कोलीन, मैकलोड एंड माइकल मैक्सकेरिटी 1933 टू 1944, इतने साल इन्होंने काम किया, 11 साल। द जेनेटिक मटीरियल वॉज थॉट टू बी प्रोटीन, ये सोचते थे कि प्रोटीन ही जेनेटिक मटीरियल है। दे वर्क टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट। दे प्यूरिफाइड बायोकेमिकल्स, तीनों बायोकेमिकल प्रोटीन डीएनए और आरएनए इनको इन्होंने एक्सट्रैक्ट कर लिया एस स्ट्रेन से और उसको आर के अंदर डाल के देखा कि क्या होता है। दे डिस्कवर दैट डीएनए अलोन फॉर्म एस स्ट्रेन कोज्ड, जो इन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला कि डीएनए ही एक ऐसी चीज है जिसको हम एस स्ट्रेन हीट किल्ड से जब आरएनए के अंदर डालते हैं तो वो एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो वो इन्होंने कैसे प्रूव किया कि कुछ प्रोटीएज यूज कर लिए तो प्रोटीन डीनेचर हो गया, फिर भी वो क्या हो रहा था, ट्रांसफॉर्म हो रहा था। फिर आरएनएज डाला तो आरएनएज डालने से भी ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया, क्या हुआ, वो बैक्टीरिया एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया। फिर इन्होंने डीएनएज, डीएनएज मतलब डीएनए को लाइगेट करने वाला मटेरियल, सॉरी डीएनए को लाइगेट करने वाला एंजाइम डाला तो उस टाइम पे आर स्ट्रेन एस में कन्वर्ट नहीं हुई। तो यहां से प्रूव होता है दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए ही आपका जेनेटिक मटेरियल है, वो इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो गया।